संतावन रिलायंस पेट्रोल पंप के पास हुई भीषण टक्कर, बाइक सवार दो युवक की मौत। इन्हें संतावन रिलायंस पेट्रोल पंप के पास हुई भीषण टक्कर, जिसमें बाइक पर सवार दो युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, वहीं एक 9 वर्ष की बच्ची घायल हो गई। मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के सूरज चौपाल 22 वर्षीय एवं दिलीप चौपाल 18 वर्ष है। वही घायल बच्ची निशु कुमारी 9 वर्ष का पांव टूट गया, उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वही मृतक के परिजन ने बताया कि सूरज चौपाल 22 वर्ष पिता हीरालाल चौपाल एवं दिलीप चौपाल 18 वर्ष पिता हरिनाथ चौपाल थाना भालपट्टी ओबी क्षेत्र के अपने घर भालपट्टी से ससुराल तेजौल गांव मुजफ्फरपुर अपने स्प्लेंडर गाड़ी से जा रहा था। इसी क्रम में सामने से आ रहे एक ट्रक ने ठोकर मार दिया, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों युवक की मृत्यु हो गई। उसी गाड़ी पर सूरज चौपाल के साले की लड़की निशु कुमारी भी सवार थी, जिसकी जान बच गई, पांव टूट गया और उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। इस घटना की जानकारी हम लोगों को फोन पर मिला और हम लोग भागे डीएमसीएच आए तो यहां देखा कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है, आगे की प्रक्रिया चल रही है। वही स्थानीय निवासी एवं सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू खान ने बताया कि जहां आज इस दो बच्चे की मृत्यु हुई है, वहां पर 24 घंटे में 4 घटना हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है और लगातार हो रहा है घटना को रोकने की कभी कोशिश नहीं की जा रही है। यह प्रशासन के इस रवैये से जनता में काफी आक्रोश है और इस तरह प्रशासन सुस्ती दिखाती रही तो आगे भी कई घटना होने की संभावना है, इसलिए प्रशासन को अविलंब इस पर कार्रवाई कर इस तरह की घटना को रोकने का कार्य किया जाए, आपीड़ित परिवार को सरकारी घोषणा अनुसार लाभ दिया जाए। मौके पर मोनू खा, ललित चौपाल, अनित चौपाल, रामनाथ चौपाल, बबलू चौपाल, रंजीत चौपाल, रामभगत चौपाल, विश्वनाथ चौपाल सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। देखिए 10 बजे के आसपास हम लोगों को फोन के माध्यम से पता चलता है कि NH 57 पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जो दोनों लोगों की मृत्यु हो गई है और रहने वाले भालपट्टी के हैं। फिर हम लोगों ने अपने लोगों से पता करना शुरू किया तो पता चला कि मब्बी थाना अंतर्गत रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 लोग थे, 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 1 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनको DMCH में जिनका इलाज चल रहा है। और अभी हम लोग फिर DMCH पहुँचे हैं तो देखें कि दोनों बड़ी यहाँ पर पड़ी हुई है और हम लोग अभी पोस्टमार्टम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी हम लोग जब जानकारी ले रहे थे तो पता चला कि अभी उसी जगह पे ये चौथी घटना हुई है, कल शाम 4 बजे से लेके अब तक चौथी घटना हुई है। ये बड़ा सवाल है जिला प्रशासन के लिए, ये बड़ा सवाल है पुलिस प्रशासन के लिए कि उसी एक ही जगह पर कल 4 बजे से लेके अब तक चौथी घटना होती है और जिला प्रशासन सोया हुआ है। ये बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, जिनकी मृत्यु हुई उनका क्या नाम था, कहाँ के रहने वाले थे? भालपट्टी पंचायत अंतर्गत एक महेशपुर टोला है, वहाँ के रहने वाले हैं। एक नवीन चौपाल हैं, एक दिलीप चौपाल हैं और एक सूरज चौपाल हैं, दोनों भालपट्टी के रहने वाले हैं। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।